सभी प्यारे फाउंडर्स को दीपम चावड़ा का प्यार भरा नमस्कार मैं टीम चैंपियंस की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं और बधाई देता हूं इस असाधारण एवं अद्वितीय समरी सारांश के इस कार्यक्रम को आप तक लाते हुए और बड़ा हर्ष हो रहा है क्योंकि ये कोई वेबिनार है नहीं आज और ये सारांश का कार्यक्रम जो है जो डेढ़ बजे रात को ढाई बजे रात को सॉरी जो आ, मुफरा साहब के साथ में जो फाउंडर्स का एक मीटिंग हुई थी उसकी समरी आपके सामने आ, प्रस्तुत की जाएगी इस रिकॉर्डिंग के द्वारा और ये प्रस्तुत करने के लिए हमारे साथ यहाँ पे हैं मिस्टर कौशिक पंड्या एवं नीरज दलवी जी तो उनका बहुत बहुत स्वागत और उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं और ये जो रिकॉर्डिंग है ये आप तक अभी पहुँचेगी और आप लोग इसे सुनेंगे और आप लोगों को सारा मालूम पड़ेगा कि ये जो मुफराज साहब के द्वारा जो मीटिंग uh, हुई थी फाउंडर्स की उसमें क्या क्या सारांश दिए गए हैं क्या क्या अपडेट दिए गए हैं तो प्लीज वेलकम नीरज दलवी सर फॉर रिकॉर्डिंग थैंक यू थैंक यू थैंक यू दीपम जी हमारे साथ uh, मुकुंद जी भी है और दीपम जी भी है uh, जो बीच बीच में मे बी अपडेट्स देते रहेंगे तो आ, आ, पहले तो सबको दिवाली हैप्पी दिवाली सबके लिए आ, आज लाइक हम लोग आ, एक वीक के लिए छुट्टी ले रहे हैं क्योंकि दिवाली का छुट्टी ले रहे हैं तो एन्जॉय कीजिए दिवाली हम वापस आएंगे नेक्स्ट फ्राइडे आ, में नेक्स्ट फ्राइडे को लेकिन उसके पहले हम आ, आज लाइक कल जो वेबिनार हुआ था उसके अपडेट्स आ, के लिए ये स्पेसिफिक रिकॉर्डिंग है तो तो चा, चालू करते हैं तो पहले टाइम पे चालू हुआ यानी टू थर्टी फ्राइडे मॉर्निंग को तो लाइक हमारा लीडरशिप काउंसिल थर्टी टू लोगों का था ऑलरेडी प्रे, प्रेजेंट था तो सेम अपडेट्स थे कि आप जो वेबिनार होता है इंटरनल वो प्लीज प्राइवेटली शेयर मत कीजिए वो अलाउड नहीं है Uh, बाद में बिल विलियम्स जो है उन्होंने एक टिप दिया था कि ऑन पैसिव कैसे प्रमोट कर सकते हैं तो मैं जस्ट यहाँ पे कवर करना चाहता था कि टिप ये थी कि आजकल जो करंट टॉपिक चल रहा है उसके साथ आप अगर आप रिलेट करोगे तो ज्यादा यानी ज्यादा लोगों को रिलेट हो सकता है तो मे बी अभी इंडिया में कौन सा लेटेस्ट इवेंट चालू है उसके हिसाब से आप ऑन पैसिव को रिलेट करो तो वो एक बहुत अच्छा टिप था और मे बी मैं मैं भी फॉलो करूंगा आगे नेक्स्ट uh, है uh, मैंने एक सजेशन दिया था खुद कि मे बी प्रमोशन के टाइम अगर आप मे बी डायरेक्ट सामने वाले का uh, सामने वाले मैडम या uh, सर का अगर फो, फोन नंबर लेते हो और कॉल करते हो तो उसका इम्पैक्ट यानी ज्यादा होता है क्योंकि वो एक पर्सनल टच होता है तो वो भी एक टिप थी uh, बाद में रेड आ, रेड जो है हमारे जो ऑन पैसिव के आ, आ, एलसी में उन्होंने भी बोला उन्होंने एक्चुअली बोला था जो क्वेश्चन आंसर्स हैंडल करते हैं उन्होंने रिक्वेस्ट किया था सबको कि प्लीज आप जब भी वेबिनार में आते हैं और ये इंडियन वेबिनार में भी एप्लीकेबल है इसलिए मैं ये पॉइंट कवर कर रहा हूँ कि आप जब भी वेबिनार में आते हो प्लीज आपके नाम से आइए ये एक रियल कंपनी है तो डेफिनेटली आपके नाम से ही आ जाइए Uh, क्योंकि कल कल के वेबिनार में कोई एनोनस नेम से कोई था इसलिए मैं ये पॉइंट कवर कर रहा तो एक क्वेश्चन uh, आया था कल की शुड आई प्रमोट और नॉट यानी मैं मैं ऑन uh, पैसिव uh, में ज्वाइन हो चुका हूँ तो मैं आगे टीम बिल्ड करूं या मैं यानी ऐसे ही बैठू जब लॉन्च होता है तो उसके लिए आंसर बहुत से आंसर आए थे लेकिन सिंपल आंसर यही है कि अगर आप टीम बिल्ड करते हैं तो बहुत अच्छा है क्योंकि जब भी लॉन्च होगा तो मे भी आपका थ्री एक्स फाइव एक्स टेन एक्स लाइक आपका यानी पैसा हो सकता है या टीम बढ़ सकता है तो कोर्स टीम बढ़ेगा तो डेफिनेटली पैसा भी बढ़ेगा तो यही मेरा सजेशन रहेगा एक्चुअली मुकुंद जी और आ, कौशिक जी और दीपम जी आपका सजेशन क्या रहेगा लाइक टीम बिल्ड करना चाहिए या ना नहीं करना चाहिए सर टीम बिल्ड नहीं करना चाहिए ये तो एक सिली आ, क्या बोलते हैं विचार है एकदम बेवकूफाना विचार है कि टीम बिल्ड नहीं करना चाहिए रहे? टीम बिल्कुल बिल्ड करना चाहिए क्योंकि और इंसानियत के नाते भी लोगों का भला करने ना, के नाते भी और एक हम ये बोलते हैं ना नोबल कॉज एक एक, अच्छा काम एक, आ, के नाते भी टीम बिल्ड करना बहुत जरूरी है क्योंकि आपका भला तो होगा ही टीम बिल्ड करने से आपके भले भले के लिए भले ना करो आप लेकिन लोगों के भले के लिए टीम बिल्ड करना बहुत जरूरी है ये मेरा विचार है बिल्कुल आ, विचारों से सहमत हूँ दीपम जी बिल्कुल हंड्रेड परसेंट और इसके साथ में एक और चीज है जिसके लिए मेरे हिसाब से टीम बिल्ड करना बहुत इम्पोर्टेंट है में हम हमेशा कहते हैं कि बिल गेट्स का एक वर्ड हम हमेशा जहन में लाते हैं कि मेक मनी वैल वेन यू स्लीप कि आप सो भी रहे हो तो भी पैसा आएगा पर कैसे आएगा क्या उसके लिए आपने किसी रेसिडियल इनकम का प्रिपरेशन किया है क्या उसी उसके लिए आपने किसी पैसिव इनकम का प्रिपरेशन किया है तो क्या हवा में आएगा आप इस समय जो भी काम कर रहे हो जो भी व्यक्ति इस समय एमएलएम में काम कर रहा है चाहे वर्किंग प्लान में करे चाहे इन्वेस्टमेंट प्लान में करे वर्किंग प्लान में क्या होता है काम करोगे तब तक पैसा आता है आप रुक गए टीम रुक जाती है और इन्वेस्टमेंट प्लान की कोई गारंटी नहीं चार दिन चलते खत्म हो जाते हैं हमारे नसीब है कि हमें एक इतनी बड़ी आईटी कंपनी इतने इनिशियल स्टेज में और इतने एडवांस फीचर के साथ में मिली है जहां हमें फाउंडर बनने का मौका मिला है जो हमारे एक्चुअल रेसिडुअल इनकम के सपने को पूरा कर रही है तो मेरे हिसाब से हर व्यक्ति को इस पर रिथॉर्ट करना चाहिए और उसे ये कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए क्योंकि अगर उसके पास पैसिव इनकम का कोई और जरिया है तो वो जरूर करे। पर तो मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में ऑन पैसों से बेहतर पैसिव इनकम का और कोई जरिया किसी के पास है डेफिनेटली कौशिक जी यस yes, करेक्ट सही कहा ये आ, बिल्कुल इट इज नॉट कंपल्सरी एट ऑल कि बनाना ही है बट हाँ, जैसे बताया दीपम जी ने मुकुंद जी ने और आ, जो फैक्ट है कि आप सिर्फ सिर्फ शेयर करिए लोगों को इसके बारे में इतला करिए उनको एजुकेट करिए उनको जानकारी दीजिए कि ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारे लिए हमारे आने वाले कल को और बेहतर बनाने के लिए तो डेफिनेटली सामने वाला पर्सन उसको स्टडी करके डेफिनेटली ज्वाइंट होगा अगेन मैं अब हम बताना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कंपलसरी बिल्कुल नहीं है सो तो आप इसको उस वे से मत लीजिएगा कि बनाना ही हम इस इस वे से बिल्कुल बात नहीं कर रहे हम सिर्फ शेयर कर रहे हैं कि हाँ आपके पास ये अनोखा मौका मिला है आपको बनने का बन चुके हैं ओके okay, बहुत अच्छी बात है, बट आप अपना जो है जिम्मेदारी निभाए और अपने फैमिली में फ्रेंड्स में जिनको भी जानते हैं उनको इसके बारे में जरूर शेयर करें ये आपकी जवाबदारी है एक फर्ज है सामने वाला करे ना करे वो उनका डिसीजन है ठीक है थैंक यू थैंक यू थैंक यू कौशिक जी तो आगे बढ़ते हैं आगे लाइक ऐश इसके बाद में एलसी मेंबर्स के बाद में ने आ, ने एक्चुअली यानी कंट्रोल लिया और उन्होंने पहले यानी उनका जर्नी एक्सप्लेन किया तो मैं यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा सा समरी दूंगा जर्नी के बारे में मैंने पॉइंट्स कलेक्ट किए है सर, सर, आ, एक आपको रोक रहा हूँ हाँ आप इनके जर्नी के बारे में अच्छे से बताइए थोड़ा मत बताइए जितना ज्यादा हो सकता है ओके ओके तो ये एश का जर्नी बेसिकली बहुत से क्वेश्चंस रहेंगे आपको कि मे बी इससे आंसर हो जाएंगे तो डेफिनेटली ध्या, ध्यान uh, में रखिए सो so, ये सब ऑन uh, पैसिव का थॉट प्रोसेस एक्चुअली 2018 में चालू हुआ था और 2018 में उन्होंने सोचा था कि पहले ये डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म होगा यानी एकदम सिंपल डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म और ये जो डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है वो भी आउटसोर्स होगा यानी एक इंडियन कंपनी को वो आउटसोर्स करेंगे वो सब संभालेंगे और यानी बस वो वो आइडिया था इनिशियली स्टार्टेड तो और उनका ऑब्जेक्टिव था कि वो यानी काम करना वांटेड टू वर्क फ्रॉम एनीवेर हाउेवर लाइक uh, like, उनको कोई भी कंपनी बेसिकली मिली नहीं और जो आउटसोर्स कर रहे थे उन्होंने महसूस किया कि वो कंपनी हैंडल नहीं कर सकते थे एक्चुअली uh, uh, कलकत्ता में कंपनी uh, थी uh, तो कलकत्ता uh, में इनिशियली ऑफिस हुआ था हमारा Uh, तो कलकत्ता से लाइक uh, स्टार्टअप like किया था लेकिन बाद में उनको रियलाइज हुआ कि मे बी ये बहुत बड़ी चीज होने वाली है तो क्यों ना और वो हैंडल uh, नहीं कर पा रहे थे तो उन्होंने डिसीजन किया कि उन्होंने बाद में देखा कि वर्ल्ड में अभी तक कोई भी ऐसे नहीं है यानी कंपनीज जो हैंडल कर सके या कोई भी प्रोग्राम्स नहीं है तो उन्होंने खुद वो बनने का यानी बनाने का डिसाइड किया और ये चेंजिंग पॉइंट था और कई लोग पूछते हैं कि सर कि इतना टाइम क्यों लगा तो यही रीजन है कि पहले उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग पहले चा, चालू किया था स्मॉल लेवल पे बाद में डिसीजन उनका चेंज हुआ क्योंकि उनको रियलाइज हुआ कि मच मोर इज पॉसिबल तो आ, आ, ये पहले था आ, तो बाद में ऑन पैसिव चालू हुआ तो और जो इंडिया, इंडिया की कंपनी थी वो वो बेसिकली थोड़ा डाउन साइजिंग कर रहे थे और जो डाउन साइजिंग कर रहे थे तो उन्होंने एक्चुअली उन्होंने आई थिंक ऑफर दिया वो लोगों को कि अगर आप डाउन साइज कर रहे <coughs> सॉरी डाउन so साइज कर रहे हैं तो जो लोग छोड़ रहे थे उनको एक्चुअली ऑन पैसिव में ऑन uh, पैसिव की टीम फॉर्म की थी और ऑन पैसिव की टीम फॉर्म uh, uh, करके उन्होंने गो uh, फाउंडर्स का प्लेटफॉर्म uh, जनरेट किया था तो ये सिलसिला अराउंड 2018, uh, 2018 से अप्रैल 2019 तक चला जहाँ पे uh, उन्होंने बाद में बैंगलोर में भी ऑफिस ले लिया लेकिन uh, uh, 2019 से एक्चुअली काम चालू हो गया जब जब बैंगलोर में ऑफिस आ गया तो थोड़ा यानी और यानी एक्चुअल काम चालू हो गया तो आप कंसिडर कर सकते हो कि अप्रैल 2019 से अभी तक हुआ है कुछ काम चालू है उन्होंने तभी दो, दो बड़े डिसीजंस लिए नंबर वन रिफंड रिफंड का उन्होंने बोला रिफंड का डिसीजन दिया कि अगर कोई भी रिफंड चाहता है भले ही वो एक महीने में हो दो महीने में हो दो साल में भी हो आई थिंक कल भी उन्होंने स्ट्रेस किया कि हमारे को जो फाउंडर्स चाहिए उनका कमिटमेंट हंड्रेड परसेंट होना चाहिए तो वहां पे उन्होंने डिसीजन लिया था कि रिफंड्स uh, uh, हम ये करेंगे और और एक बड़ा डिसीजन लिया था कि मैं ये uh, मैं करके ही रहूंगा लेकिन मैं बता नहीं सकता कि मैं इसकी डेट क्या दूंगा तो इसलिए जो अप्रैल uh, 2019 में तो बड़ा डिसीजन हुआ और मैं थैंक हूँ एश को क्योंकि अप्रैल 2019 में एक्चुअली इंडिया uh, का कोई नहीं था आई थिंक आई थिंक आप लोग सब बाद में ज्वाइन हुए हैं राइट करेक्ट करेक्ट करेक्ट

Uh, तो बाद में उन्होंने रियलाइज किया कि मे बी सिर्फ यानी जो टेक्नोलॉजी एग्जिस्टिंग थी उससे पॉसिबल नहीं थी तो बाद में उन्होंने ए एक्चुअली इंट्रोड्यूस किया तो ए का पहले एक्चुअली आई थिंक वो पार्ट नहीं था लेकिन बाद में रियलाइज हुआ कि ये मे बी पॉसिबल नहीं है कि uh, जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है तो उसके लिए अभी ए आई मशीन लर्निंग जो बोलते हैं आजकल के लाइक uh, ट्रेंड like, uh, में जो बोलते हैं कि मशीन लैंग्वेज तो वो चालू हो गया तो uh, वो पिक्चर में आ गया और तभी हमारा कंप्लीट डिजिटल और इंटरनेट सॉल्यूशन हुआ और हमारा अभी मार्केट कैप आई थिंक उन्होंने बोला था 4.7 बिलियन लास्ट टाइम उन्होंने बोला था 3 बिलियन आई थिंक लेकिन अरे. अभी 4.7 बिलियन उन्होंने बोला तो uh, हमारे पास प्रोपराइटरी टेक्नोलॉजी है एवरीथिंग इज स्केलेबल

अभी भी यानी वो पीरियड सरवाइव किया और हम हम अभी लास्ट स्टेजेस पे है तो आ, आ, हमारे लाइक और सबसे बड़ी चीज जो हुई है अभी जो हमने नाइन इयर्स का लीज पे लिया है तो आई थिंक वो सबसे बड़ी अचीवमेंट है तो हमारे पास बैंगलोर है हमारे पास हैदराबाद का एक लोकेशन है हमारे पास हैदराबाद का सेकंड लोकेशन है और सेकंड लोकेशन ये पूरा हमारा ओन्ड है पांच फ्लोर्स का बिल्डिंग है टू फ्लोर्स अभी तक ऑक्यूपाइड है टू फ्लोर्स अंडर कंस्ट्रक्शन है राइट अभी बंगलोर उन्होंने अपडेट दिया ये था थोड़ा उनके आ, समरी के बारे में कि लाइफ हिस्ट्री के बारे में तो मोर डिटेल्स के लिए आप एक्चुअली उनके जु आ, अगर आप उनके जुबान से सुनोगे तो अच्छा रहेगा <laughs> दीपम जी आ, तो आ, उसके बाद में होता है कि बैंगलोर में डाउन साइज का उन्होंने डिसीजन लिया है कि डाउन साइज होंगे लोग और जो बैंगलोर के लोग कम होंगे वो हैदराबाद में जो हमारा नया लोकेशन है वहां पे उनको यानी वहां पे जाएंगे तो उन्होंने स्पेसिफिकली बोला कि ऑन पैसिव इज एट फाइनल स्टेजेस फाइनल स्टेजेस तो बहुत अच्छी चीज अपडेट है सब फाउंडर्स के लिए उन्होंने हैप्पी दिवाली विश किया है सब इंडियन फाउंडर्स को और आई थिंक ऑफिस कल जब ही उन्होंने वेबिनार uh, लिया था तभी उन्होंने बोला था कि ऑफिस इज आल्सो सेलिब्रेटिंग दिवाली और फोटोज शेयर किए थे एंड आई आई थिंक आज तक uh, जब तक ये वेबिनार हो रहा है आई थिंक आपने फोटोज ऑलरेडी देखे रहेंगे आई थिंक ऑलरेडी फेसबुक पे वायरल हो रहे हैं राइट right? यस yes, oh. और हमारे ऑन पैसे टीम चैंपियन के पेज पे अभी रिसेंटली शाम को ही हमने वो फोटोज शेयर किए हैं जहाँ पे हमारी ऑन पैसे हैदराबाद की जो नई ऑफिस है उसके पूरी टीम ने बहुत शानदार रंगोली बनाई हुई है ऑफिस डेकोरेट किया हुआ था और सब एंजॉय कर रहे हैं फेस्टिवल इंडियन तरीके से क्योंकि सारा स्टाफ मोस्टली इंडियन ही है तो अरे? ये सारा का सारा मतलब एक तरीके से एक फैमिली की तरह फैमिली बॉन्डिंग की तरह फेस्टिवल मनाया जा रहा है और कल जब एस मोपरा साहब आए थे तब तो उनके बैकग्राउंड पे जो पिक्चर था वो हाँ। था ऑन पैसि का रात का लाइटिंग वाला तो तो कुछ टाइम पहले वीडियो आया था जिसपे सिर्फ ऑफिस का पिक्चर था दूसरे फ्लोर का जहाँ पे सब स्टाफ काम करे थे कुछ दिनों पहले की बात है तब लोग बता रहे थे यहाँ पे ऑन का लोगों कहाँ है लोग इतना दिखाने के बाद भी जो लोग डाउट करते तो उनके लिए ये हम एक एक चीज है कि देखिए बिल्डिंग के बाहर भी पूरा का पूरा लग चुका है पोस्टर नाम लग चुका है रात की रोशनी में जगमगा रहा है उन पैसे और अंदर सब जगह मतलब एक तरीके से हमें लग रहा है कि हमारी खुद की कंपनी जो एक्चुअल में है एक्चुअल में है हम सबकी खुद की कंपनी है ये तो हम जो अब तक बोल रहे थे वो सब पेपर पे आ रहा है ग्राउंड रियालिटी पे आ रहा है और हम उसको देख रहे हैं, भी देख रहे हैं। और देखे। ना उनको रोका हुआ है कि उतना अलाउ नहीं वरना स्टाफ की सिक्योरिटी भी जरूरी है तो मतलब लोग पागल हो रहे हैं हम तो यहाँ पे है अहमदाबाद में गुजरात में कोई बॉम्बे में है कोई महाराष्ट्र में है कोई छत्तीसगढ़ में है पर

नाइन्टी परसेंट इंडियन ब्रेंस काम कर रहे हैं इसीलिए उन्होंने डिसीजन लिया था कि जब मुझे इंडियन ब्रेंस के साथ ही काम करना है तो मैं इंडिया में क्यों ना करूँ और वहीं से उनके दिमाग में आया कि मैं इंडिया को अपना बेस बनाऊँ पूरे वर्ल्ड के लिए उसका एक फ़ायदा उनको और मिला कि यूएस यूएस में सिलिकॉन वैली में आपको इंडियन ब्रेंस हो या कोई भी ब्रेंस हो उनको पर आवर डॉलर्स में पे करना पड़ता है और यहाँ सैलरी महीने में एक बार रुपीज में जाती है के के हिसाब हिसाब से से भी और से भी, और उन्होंने इंडिया को किया. Definitely. वो इंडिया को बहुत पसंद करते हैं. हैं <laughs> नहीं उन्होंने काफी बार जिक्र भी कर दिखा है कि मेरा जो डिसीजन था वो उत हैं और really proud of the decision और वो उतरे और और बहुत ही ज्यादा क्लोज है इंडियन फाउंडर से इंडियन लीडर से और इंडिया के कम्युनिटी से yes. जी, please, please carry on. तो uh, uh, सो so, उन्होंने बोला ऑन पैसे विज ए आई टी टेक्नोलॉजी कंपनी हरेक प्रोडक्ट एक बिजनेस एक है और लाइक हरेक जो हर एक जो प्रोडक्ट uh, है वो एक्चुअली रिटेल प्रोडक्ट जैसे भी बेचा जा सकता है ऑल्सो बंडल पैकेज भी uh, होगा उसका और ये बंडल पैकेज रीसेलर राइट्स के साथ uh, होगा वो भी बोला उन्होंने नेक्स्ट uh, एक्चुअली uh, ये ओ कनेक्ट के बारे में uh, था uh, इसमें ज्यादा मैं अपडेट तो दे देता हूं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इन्होंने एक्चुअली डेमो दिखाया था ओ कनेक्ट का तो बहुत बहुत अच्छा डेमो uh, uh, था तो डेफिनेटली अगर आप मे बी लाइक रिकॉर्डिंग आता है तो डेफिनेटली ये पार्ट देखिए क्योंकि इसमें इंग्लिश का समझने का या इसका कुछ ये नहीं है आपको सिर्फ देख के भी समझ जाएगा कि कैसे कितना सुपीरियर है तो मैं, करूंगा सब मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबको सब जो ये सुन रहे हैं प्लीज डेफिनेटली लाइक वो बैक ऑफिस से ये ओ कनेक्ट या ओ कनेक्ट का एटलीस्ट पार्ट डेफिनेटली Uh, देखे तो ओ कनेक्ट के बारे में uh, हमारा लाइक वेबिनार प्लेटफॉर्म है कम्युनिकेशन uh, प्लेटफॉर्म है उसकी अलग सी वेबसाइट भी होगी और uh, वो ऑन पैसे में भी इंक्लूडेड होगा uh, और लाइक uh, नेक्स्ट uh, like, उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया गेट थ्री एंड इट्स फ्री तो मे बी uh, कोई बोलना चाहता है उसका एक्सप्लेनेशन <laughs> नहीं, आप कंटिन्यू जी ओके गेट थ्री एन इट्स फ्री एन ए बेसिकली आपके नीचे अगर तीन आदमी आते हैं कैसे भी आते हैं आई रिपीट मैं रिपीट करता हूं कैसे भी आते हैं तीन लोग तो जो लाइक आपका जब तीन लोग आते हैं तो आपका जो मंथली सब्सक्रिप्शन है वो कवर्ड हो जाता है यानी उसका मीनिंग क्या हुआ कि चौथा आदमी जब भी आएगा उसका पैसा आप निकाल सकोगे डायरेक्टली विड्रॉल कर सकोगे और बहुत लोगों को ये क्वेश्चन रहता था कि ओ इट्स फ्री यानी मेरे को पहला पैसा भरने का है कि नहीं तो मैं फिर से बोलता हूँ जो पहला जो सब्सक्रिप्शन uh, रहेगा फर्स्ट मंथ का वो सबको भरने का है सब फाउंडर्स को भरने का है राइट right? तो वही एक्सप्लेनेशन है कोई ऐड करना चाहता है उसके ऊपर हाँ सर ये जैसी पहले महीने का सबको भरने का है और उसके बाद पहला महीना है ना जैसी कंपनी मेन लॉन्च होती है तो पहली बार आपको सबको प्रोडक्ट लेने का है लेकिन उसके बाद हुँ. दूसरे बार से सेकंड मंथ से जैसे हुँ. जैसे भी आपके नीचे पहले तीन लोग आएंगे आपका पैसा वो चले जाएगा सब्सक्रिप्शन में और उसके बाद चौथे से लेकर के चार हजार चालीस हजार तक जितने भी लोग आएंगे वो पैसा आप विड्रॉल कर सकते हैं वन डेफुल दूसरा और एक बड़ा अपडेट था कि सबको क्वेश्चंस रहते थे कि लीगल लीगल है कि नहीं लीगैलिटी है कि नहीं तो लीगल डिपार्टमेंट बहुत जल्दी जूम, जूम कॉल पे आने वाला है सो so, अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो लीगालिटी के बारे में मे भी आ, 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 अगर हम फाउंडर्स हैं तो अपने तो सवाल ही नहीं होंगे लेकिन अगर किसी के क्वेश्चंस रहेंगे लीगैलिटी के बारे में तो लीगल डिपार्टमेंट अभी थोड़े दिनों में आ सकता है जूम पे तो डेफिनेटली आप उनको सवाल पूछ सकते हो नेक्स्ट uh, उन्होंने ये ओ जो होता है ऑन पैसिव का उसके बारे में थोड़ा बताया कि ओ उनके लिए स्टैंड करता है ओवर डिलीवर ओके ओवर डिलीवर ओवर डिलीवर यानी मैंने आ, एक हम हमने एक वीडियो कांटेस्ट किया था उसमें उन्होंने बोला था कि एक एक वीडियो सिलेक्ट करेंगे उसको ट्रैफिक देंगे आई uh, थिंक uh, कितना तो व्यूज आई थिंक वन लैक कितने व्यूज देने वाले थे याद है यस वन लैक वन लैक या वन लाख व्यूज तो उन्होंने बाद में डिसाइड किया कि उन्होंने लाइक पंद्रह आई थिंक वीडियोस सिलेक्ट किए हैं जहां पे वो ट्रैफिक जाना चालू हुआ है और वो और वीडियोस देख रहे हैं तो बेसिकली मैं बोलना क्या चाहता हूं कि वो ओवर डिलीवर uh, हमेशा करते हैं और ये माने वन टाइम नहीं है मैंने हमेशा देखा है कि वो लाइक like, हमेशा ओवर डि डिलीवर करते तो वो एक बड़ी अच्छी चीज लगी मेरे को एस सर की इवन जो लैपटॉप्स थे सितंबर में सिंडी सिंडी को सिर्फ मिलने वाला था लैपटॉप लेकिन सितंबर में अराउंड पच्चीस लोगों को मिला अक्टूबर में उनके आ, उनकी मदर का बर्थडे था इसलिए अराउंड थर्टी लेडीज को आ, मिला तो, आ, तो ये, ये ओवर डिलीवर uh, करते हैं हमेशा ओके okay? तो तो वो सिंपल उन्होंने बताया कि अगर कोई हैप्पी नहीं है तो प्लीज आप बिंदा सपोर्ट में जा सकते हो आप बोल सकते हो कि भाई लाइक रिफंड रिफंड चाहिए और आप ले सकते हो रिफंड तो आप उसमें मैटर नहीं करता आप आप 30 डेज में हो 60 डेज में हो एक साल में हो या दो साल में हो आपको सिर्फ रिक्वेस्ट देने का है और आपको मिल जाएगा ओके okay? इसके सामने उन्होंने ये बताया था कि आप हमारे साथ है तो 100 परसेंट गारंटी सक्सेस है पर आप समझिए इसमें कोई डाउट ना रखें किसी भी प्रकार का मन में डाउट ना रखे जो भी यहाँ पे है सिर्फ हमारे साथ है हंड्रेड परसेंट हम ट्रांसपेरेंट है और हम ट्रांसपेरेंट के के साथ ही काम कर रहे हैं जो भी कमेट कर रहे हैं उससे ज्यादा देने का प्रयास करें एट प्राइस ऑफ नाइनटी सेवन डॉलर जो आगे जाके हमारी सब फाउंडर की लाइफ चेंज करने वाला है और इसको उन्होंने बताया था इट इज प्राइसलेस दिस इज गोइंग टू प्राइसलेस ये हमारा जो डिसीजन हमने जो लिया है हम सभी ने जिस किसी ने लिया है डिसीजन की चलो हम फाउंडर बनते हैं अच्छे बन से सच्चे दिल से सोच के बिना सोच के किसी भी तरह बट कल उठ के आने वाले कुछ ही दिनों में कुछ ही समय में आपको लगेगा कि हमारा ये डिसीजन जो था वो हंड्रेड परसेंट करेक्ट था और आप अपने आपको इसके लिए आभार मानेंगे और जिस किसी को भी आपने बताया वो भी आपका हमेशा दिल से जस्टि जी का पैटर्न यूज कर रहा हूं यहाँ पे दिल से आभारी रहेगा ये जी प्लीज कंटिन्यू या Uh, उसके बाद में लाइक uh, like, अभी आगे क्या यानी वो उन्होंने बताया कि आगे क्या होने वाला है uh, यानी वो हर दिन में एक uh, एक या दो प्रोडक्ट रिव्यू करते हैं और नॉर्मली उन्होंने बोला कि जब भी वो रिव्यू करते हैं तो वो uh, हमेशा वो लाइक like, कुछ तो चेंजेस बहुत से चेंजेस बोलते हैं लेकिन इस बार लाइक जो प्रोडक्ट्स अभी रिव्यू कर रहे हैं तो उनको इतने चेंजेस मिले नहीं है तो वो इनडायरेक्टली वो फाइनल प्रोडक्ट्स हो गए हैं तो लाइक हमारे प्रोडक्ट्स यानी स्लो लाइक नियरली रेडी हो रहे हैं तो वो एक बोला था और उन्होंने एक्चुअली आपको याद है कि अपना सपोर्ट में एक एक्चुअली टैब है कॉन्टैक्ट एश मुफारा तो आ, मैं उसका रेफरेंस क्यों दे रहा हूँ उनके लड़के ने एक्चुअली एक सजेशन दिया था कि आ, व, आ, जो ओ अपना ओ कनेक्ट है उसमें आ, उसमें एक्चुअली लाइक जो म्यूट बटन है वो यानी मेरे को हमेशा क्लिक करना पड़ता रहता है मे बी जूम में अब जैसे हम हमको एक्चुअली फिजिकली क्लिक करना पड़ता रहता है तो आई थिंक वो वॉइस रिकोगशन यूज करने वाले हैं जो आइडेंटिफाई करेगा वॉइस यूजर uh, का और मे बी म्यूट आप बोलोगे म्यूट माई सेल्फ तो म्यूट हो जाएगा एटलीस्ट मेरे को ऐसे लग रहा है तो ये सजेशन उनके लड़के ने दिया तो तो इतने वो यानी बारी क्या बोलते हैं ना कि एकदम एक्यूरेटली देखते हैं एकदम आ, बा, बार क्या बोलते हैं वो हिंदी में वर्ड बहुत बारीकी से हर चीज को हाँ बारीक हाँ ऑब्जर्व करते हैं तो तो वैसा था तो आ, नेक्स्ट आता है सबका फेवरेट टॉपिक सॉफ्ट लॉन्च कोई कवर करना चाहता है या मैं करू? करूं करूं मैं आप ही सर ओके okay. तो लॉन्च में क्या होने वाला है so, में मोर प्रोडक्ट्स होने वाले हैं मोर मर्चेंट्स होने वाले हैं मोर मार्केटिंग होने वाला है तो ये सब पॉजिटिव uh, है सॉफ्ट लॉन्च के लिए कभी होगा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि कभी होगा uh, एनी डे नाउ और उन्होंने ये भी बोला कि सॉफ्ट लॉन्च इज अगर अभी तक हुआ नहीं है वो एक पर्टिकुलर रीजन के लिए नहीं हुआ है उन्होंने वो reason disclose नहीं किया लेकिन डेफिनेटली एक रीजन है और जब भी राइट टाइम आएगा वो करेंगे और वो राइट right टाइम बहुत जल्दी आने वाला है मैं फिर से बोलता हूँ बहुत जल्दी आने वाला है ओके okay? ये था सॉफ्ट लॉन्च के बारे में बाद में आ, हुआ वो उन्होंने डिस्कस किया कि इंडियन फाउंडर्स का एक इवेंट रहेगा यानी इंडियन फाउंडर्स आ, जो एश मैं फिर से रिपीट करता हूं कि एश पर्सनली सिलेक्ट करने वाले हैं जो इंडियन फाउंडर्स जो तीन दिसंबर को Uh, तीन तीन, uh, तीन चार पाँच चे, चे, ये ये यानी थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे चार दिन uh, हैदराबाद में जाएंगे वो uh, पहले दिन आई थिंक लाइक पहले दिन जस्ट जाएंगे नेक्स्ट दिन एक्चुअली विजिट करेंगे प्लेस थर्ड uh, थर्ड दिन uh, के साथ क्शन रहेगा और मे बी कुछ लंच uh, या डिनर रहेगा uh, और फोर्थ ऑफ कोर्स डिपार्चर है तो ये चार दिन लेकिन मैं फिर से बोलता हूँ कि इसमें क्राइटेरिया एश सिलेक्ट करने वाले है. तो प्लीज 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 मैं रिक्वेस्ट करूंगा फाउंडर्स से कि इसमें मैं आऊंगा मैं आ सकता हूं क्या मैं ये आ सकता हूं क्या ऐसे सवाल मत कीजिए <coughs> uh, क्योंकि क्योंकि uh, अभी uh, वो सॉरी uh, uh, मेरे को कॉल आ रहा रहा था तो ये एस सिलेक्ट करने वाले हैं uh, उतना ही मैं बताऊंगा तो उन्होंने क्लियर बोल दिया था कि जो सिलेक्ट होंगे तो अपार्ट फ्रॉम एलसी सी जो भी लीडर सिलेक्ट होंगे वो कंपनी के एंड से ही सिलेक्ट होंगे और उनको कंपनी से ही डायरेक्ट मिल जाने वाली है तो कोई अगर किसी को रिकमेंडेशन चाहता है कि मेरा नाम दे दो मेरा नाम दे दो फायदा नहीं होने वाला उस सारा सिलेक्शन ऊपर से आने वाला है नहीं सर सीधी बात है ये कोई एम एल एम कंपनी नहीं है कि यहाँ कोई लीडर रिकमेंडेशन देगा तो उसको एंटरटेन किया जाएगा ऐसा कुछ नहीं है तो यहाँ पे अगर एस साहब सिलेक्ट कर रहे हैं तो एस साहब का मेल जिसको जाएगा वो जाएगा दैट इज फाइनल हो गया।, गया। ओके। नीरज जी नेक्स्ट अपडेट कीजिए मेजर है okay. आ तो अगर नेक्स्ट है तो प्लीज ओके ठीक है मैं ही करता हूँ तो नेक्स्ट सवाल एक्चुअली मेरे को कॉल्स आ रहे हैं अभी आई थिंक आठ बजे आठ बज गया है क्या क्योंकि आई थिंक सब फाउंडर्स के कॉल आ रहे हैं सॉरी एक्चुअली मुझे भी कॉल आ गया था मैं जरा उन्हीं को अटेंड कर रहा था इसलिए मैं नहीं आ पाया शायद आपने कहीं नाम लिया था तो रैट, रैट, आप कंटिन्यू करें मैं रिप्लाई कर रहा हूँ ये दो मुझे कुल कॉल आए थे उनका आ, म, 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 इनका जस्सी जी का भी फोन आया था तो प्लीज देख लीजिए तो एनीवे तो बाय द वे हम लोग लाइक uh, हैदराबाद like से uh, और ये भी डिसाइड हुआ है कि ट्राई करेंगे एक लाइव स्ट्रीम करना या मे बी जूम कॉल करना तो मे बी सबको सबका इन्वॉल्वमेंट रहेगा तो आपको भी ऐसे नहीं लगेगा कि आप आपने कुछ मिस आउट किया तो डेफिनेटली सब इन्वॉल्व रहेंगे बहुत, so, अच्छी बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है तो लेकिन ये प्लानिंग चल रहा है फाइनलाइज नहीं हुआ है तो वहां जाके इसको, कैसे इसको देखना सर इसको अगर ये हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है मेरा कहने का मतलब है राइट हाँ एवरीबॉडी फील कनेक्टेड है ना ओके okay. नेक्स्ट uh, है कि Uh, एक क्वेश्चन आया था कि पीपल अगर एक्टिव नहीं है फाउंडर्स एक्टिव नहीं है तो वो मार्केटिंग कैंपेन्स में इंक्लूड होंगे कि नहीं तो उसका आंसर उन्होंने एश ने दिया कि uh, हमारा जो मार्केटिंग कैंपेन्स uh, uh, है वो फेयर है और विल हमेशा बराबर चीज ही करेंगे uh, ये, ये कोई हम लोग प्रोमिस नहीं दे सकते uh, उन्होंने सिर्फ रिक्वेस्ट किया सब फाउंडर्स को कि आप एंगेज रहिए और uh, आप यानी आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा यानी आप कुछ भी नहीं करोगे तो मे बी चांसेस है कि लाइक uh, like आपको मे बी एटलीस्ट द फर्स्ट कैंपेन में जीरो uh, 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 नहीं आ सकते लेकिन आप मे बी बहुत एक्टिव हो मे बी बहुत बड़ी टीम है तो डेफिनेटली आपको वरी नहीं करना चाहिए क्योंकि आप बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हो या नॉट ओनली बड़ी टीम का लेकिन अगर आप प्रमोशन uh, में हेल्प कर रहे हो या ऑन पैसिव को uh, यानी हेल्प uh, कर रहे हो कोई भी वे से तो डेफिनेटली आप एंगेज रहिए तो आपको uh, यानी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा उसके बारे में uh, एक क्वेश्चन आया था वो लेकिन वो क्वेश्चन बहुत लेट आया था कैन यू शेयर पिक्चर्स ऑफ न्यू ऑफिस लेकिन न्यू पिक्चर न्यू ऑफिस के पिक्चर्स ऑलरेडी स्प्रेड हुए थे <laughs> mm -hmm. तो आ, उन्होंने बोला था यस यू कैन शेयर बट ऑलरेडी शेयर हुए थे ओके uh, इफ okay, जो जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि जो भी टिकट सपोर्ट में जाते हैं वो आंसर होते हैं क्या तो uh, uh, उसका आंसर उन्होंने uh, बोला था कि डेफिनेटली आंसर होते हैं लेकिन कभी कभी थोड़ा डिले होता है और मे बी uh, लेकिन सब टिकट डेफिनेटली आंसर होते हैं। है कॉल आया है तो मे बी म्यूट कर सकते हैं अगर होस्ट काट दिया काट दिया मैंने सर काट दिया oh, okay, okay. Uh, तो ऑफिस कितने आने वाले हैं अदर कंट्रीज में नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अदर कंट्रीज में ऑफिस कितने आने वाले हैं तो आंसर उसका सिंपल था वन थाउजेंड टोटल ऑफिस आने वाले हैं डिफरेंट कंट्रीज मिला के तो आई uh, थिंक उन्होंने एक बार बोला था ना कि हर एक कंट्री में कितने स्पेसिफिक ऑफिस रहेंगे मिनिमम टेन टेन या तो या uh, yeah. तो तो वो एक एक था। uh, so अभी next, next update है है के बारे में। तो हमारा दो तरके है कि एक package है, और सेकंड ऑप्शन है जो पैकेज आता है और uh, मैं सिर्फ इसके फीचर्स बताऊंगा मैं फिर से बोलूंगा कि आप इसमें बैक ऑफिस में जाके वो वेबिनार देखिए स्पेशली पार्ट ओ uh, कनेक्ट का डेमो अगर आपको प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो अनलिमिटेड अटेंडीज स्क्रीन शेयरिंग कॉल फॉर एक्शन कॉल फॉर एक्शन मेरे को बहुत अच्छा लगा uh, उन्होंने एक्चुअली दिखाया था कॉल फॉर एक्शन यानी आप uh, आपका लिंक ही डायरेक्टली शेयर कर सकते हो इमीडिएटली और वो वेबिनार में ऊपर ही दिखता है और जैसे ही कोई उसके ऊपर क्लिक करता है तो आपको यानी समझता है कि इन्होंने ये क्लिक किया या आप... ये किया तो मे बी आप वेबिनार कर रहे हो उसी समय मे बी आपको साइन अप या ऑन पैसेव का रेफरेंस ले रहा हूँ कि मे बी आप वेबिनार कर रहे हो ऑन का तो और आप यूज कर रहे हो ये तो आपको मे बी अगर कोई साइनअप होता है तो इमिजिएटली आपको पता भी चलेगा रियल टाइम बेसिस पे तो मेरे को वो चीज बहुत अच्छी लगी क्यू एन फीचर अच्छा था व्हाइट बोर्ड फीचर भी बहुत अच्छा लगा व्हाइट बोर्ड इंटरएक्टिव है तो यहाँ पे हम व्हाइट बोर्ड एक्चुअली चालू करेंगे तो मैं भी उस पे कर कुछ यानी डाल सकता हूँ आप भी डाल सकते हो आप भी डाल सकते हो तो पांचों लोग उसमें कुछ अपने अपडेट्स डाल सकते हैं तो वो एक एक्चुअली अपडेट मेरे को बहुत अच्छा लगा एक्चुअली एक एलसी uh, मेंबर ने ये भी पूछा कि ये लीगली यूज हो सकता है कि नहीं क्योंकि आजकल के टाइम uh, में यानी लीगल एडवाइजर के पास जाना और कॉन्ट्रैक्ट साइन करना विटनेस के साथ तो उसके बजाय अगर मैं ओ कनेक्ट में ही यानी वो व्हाइट बोर्ड में या वॉट शेयरिंग में दोनों रहेंगे साथ में तो कर सकते हैं क्या तो उन्होंने बोला डेफिनेटली कर सकते हैं प्रोवाइडेड वो लीगल सिस्टम uh, जो है वो एग्री करता है तो वो लीगली माना जाएगा वो उनका डिस्क्रिशन है हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो एक पार्ट था uh, बाद में उन्होंने ओ ट्रैकर के बारे में भी बो, बोला कुछ लाइक uh, uh, like, ओ ट्रैकर के कैप्चर uh, करता है हर एक डिटेल अबाउट द विजिटर यानी मे बी आप उनका कंट्री हो आईपी एड्रेस हो uh, उनका ब्राउजर uh, कौन सा है उनका डीएनएस कौन सा है तो ये सब डिटेल्स कैप्चर करता है तो uh, बह, बह, बहुत बहुत यानी यूजफुल चीज है uh, और ये ओ अकेडमी और ओ कनेक्ट दोनों साथ में यूज कर सकते हैं हम लोग तो उससे उसने उन्होंने एक एक्चुअली एग्जाम्पल दिया था कि अगर ओ अकेडमी में आपने आपका एक पर्टिकुलर क्लास आपने लिया है और वो उसका रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग हो गया है उसके बाद में अगर थोड़े दिन के बाद सेम क्लास है तो आपको फिर से वो फिर से फ्रेश नया नीज करना पड़ेगा आप से वो वाला सिर्फ प्लेबैक एक ऑप्शन रहेगा वो प्लेबैक से आप पहले वाला रिकॉर्डिंग एक्चुअली प्ले कर सकते हो तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगा मे बी Maybe आप, आप अपने को भी वैसे ही करने का कि, एक बार वेबिनार किया तो वो जैसे हमेशा वो ही प्ले होता रहेगा right? <laughs> जी दीपम जी बोलिए अच्छी बात है बोल रहा हूँ ये बहुत सारे मेहनत बहुत कम हो जाएगी so, और डेफिनेटली जो जो टूल्स है जिसमें कल कहा गया था आई डोंट नो आपने वो कवर किया कि नहीं मेरा एक्चुअली कॉल आ गया था बीच में ये फाउंडर मेंबर का ही कि जो कनेक्ट है वो कितना बड़ा है कि जो हम अभी सोच सकते हैं भी नहीं है कि Skype Zoom goto webinar any meeting ये सबसे बड़ा है इस ये सबसे अच्छा है yes. ये सबसे ज्यादा टूल्स इसमें है मतलब इसमें जो उसमें नहीं है खासियतें वो सारे के सारे इसमें है तो मतलब समझ जो फिलहाल चार टूल्स हैं स्का जोम फोटो मीटिंग इसके अलावा फिलहाल मार्केट में पूरे दुनिया में पूरे ग्लोब में ऐसा कोई भी टूल नहीं है और वो सारे के सारे चारों के चारों के सामने हमारा ओ कनेक्ट उनसे सर्वोपरि रहने वाला है तो हम समझ सकते हैं कि ओ कनेक्ट किस लेवल पे जा, जाके मार्केट में आने वाला है और बिल्कुल ये हमारा एक मिलियन डॉलर टूल होने वाला है यही हमें हमारे लिए काफी रहेगा जी नीरज जी प्लीज कंटिन्यू राइट right. और एक क्वेश्चन आया था कि ये जो डेटा रहेगा वो इनक्रिप्टेड रहेगा कि नहीं इनक्रिप्ट इनक्रिप्टेड यानी क्या होता है लाइक like मैं एक सिंपल uh, uh, सी चीज बोलता हूँ कि जूम का पहले एक मेरे actually... हिसाब से सर सेफ होता है राइट राइट इनक्रिप्टेड यानी बेसिकली जूम का पहले क्या होता था कि जो डेटा था वो आ, यूजर को पहले एक्सेस यानी जूम को भी एक्सेस रहता था आ, लेकिन इसमें क्या होने वाला है ऑन पैसिव के पास कोई एक्सेस नहीं रहेगा सिर्फ अपने पास ही रहेगा जो रिकॉर्डिंग और वो सब होगा वो सब इनक्रिप्टेड रहेगा और अपना प्राइवेट रिकॉर्डिंग से और ये रहेगा अपने अपने पास प्राइवेट रहेगा तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगा आ, नेक्स्ट था कि उन्होंने बोला कि अगर मेरे को ये बेचना पड़े तो मैं मे बी ओ को मे बी थ्री हंड्रेड डॉलर पर मंथ विथ अनलिमिटेड एक्सेस एंड फीचर्स पे बेचू बट बट फिर से उन्होंने बोला कि अगर आप ऑन पैसिव के साथ लेते हो तो आपको डेफिनेटली uh, सस्ता पड़ेगा और बाकी के बाकी के प्रोडक्ट्स भी आपको मिलेंगे प्लस आपको रीसेलर का ऑप्शन भी मिलेगा तो डेफिनेटली ऑन पैसिव रॉक्स नेक्स्ट है नेक्स्ट uh, है वो लाइक uh, फाउंडर्स like के फाउंडर्स uh, को बोला उन्होंने कि आप यानी एक्चुअली uh, एक uh, एलसी एक मेंबर ने सवाल किया था कि डेविड मैंने बराबर कंट्री का नाम लिया है परफेक्ट परफेक्ट तो तो उन्होंने सवाल किया था कि जो क्राउड फंडिंग होगा उसका टेम्पलेट होगा क्या कुछ स्पेसिफिक टेम्पलेट है कि नहीं तो उसके लिए उन्होंने अभी आंसर्स दिए थे ये कि पहले जो जो भी यानी फाउंडर है मे बी कुछ उनका कॉज है तो वो एक कॉज क्रिएट कर सकते हैं और वो डिस्प्ले कर सकते हैं कॉज ऑन ऑन राइट उस वो पेज पे और वो ओ वॉलेट एनेबल कर सकते हैं आई थिंक ये सब होगा जब भी आप लॉन्च होते उस, उसके बाद में ये सब होगा तो अभी सोच के मतलब नहीं है सिर्फ बता रहा हूँ कि ये फ्यूचर में होने वाला है कि आपका आप एनेबल कर सकते हैं ओ वॉलेट उस और यहाँ से होगा क्या कि जो भी यानी हमारे जो कम्युनिटी है दो लाख अस्सी हजार एज ऑफ नाउ वो अगर आपको कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो ओ वॉलेट उनके ओ वॉलेट से आपके ओ वॉलेट को ट्रांसफर हो सकता है तो बहुत बड़ी चीज है क्योंकि हमारा डेटा बेस अराउंड टू लैख एटी थाउजेंड है तो जिसको एक्चुअली में रियली जरूर है तो डेफिनेटली हम लोग हेल्प कर सकते हैं इनफैक्ट uh, मैं बोल रहा था उस दिन डिल्लोन uh, से भी बात कर रहा था कि अराउंड uh, फोर्टी इंडियन में फाउंडर्स है और जभी हम लॉन्च में टूवर्ड्स uh, जाएंगे और सॉरी सॉफ्ट लॉन्च में जाएंगे आई थिंक जिनकी मे बी आई थिंक जस्सी जी की टीम अराउंड फोर्टी थाउजेंड है तो आई थिंक इवन एक या दो उनको मिलेंगे तो अराउंड एट्टी थाउजेंड की टीम होगी और मे बी अगर किसी के कॉस्ट को हम लोगों को सीरियसली हेल्प करने का है तो इवन एक एक डॉलर भी डालेंगे तो एट्टी थाउजेंड डॉलर होते हैं तो बहुत बड़ी रकम होती है डेफिनेटली अगर हम चाहते हैं तो डेफिनेटली हेल्प कर सकते हैं लेकिन ये फ्यूचर की बात बोल रहा हूँ तो वो एक पॉसिबल है आ, आ, ये, उन्होंने ये भी बोला कि यू कैन ए लिंक ऑन योर ओन डोमेन अपने डोमेन पे भी आप लिंक क्रिएट कर सकते हो और उसमें कॉन्टैक्ट को इनवाइट कर सकते हो टू शेयर योर क्राउड फंडिंग तो आपका कुछ क्राउड फंडिंग है कोई भी आ, आ, इसके लिए तो आप शेयर कर सकते हो तो उन्होंने और एक हमारा और एक ऑप्शन है कि ओब्लेस ओब्लेस आई थिंक आई थिंक ये मैंने बराबर से सुना है सुना नहीं ये अपडेट तो मे बी मुकुंद जी अगर आपने ये अपडेट सुना है बराबर से ओ ब्लेस के बारे में तो प्लीज शेयर कर सकते हैं एक्चुअली डेविड बकाऊ जो है उन्होंने पूछा था कि क्राउड फंडिंग के प्लेटफॉर्म को आप क्या मतलब किस तरीके से बुलाएंगे हाँ तो उसको मैंने जवाब दिया था बोर्ड पे लिख के ओ ओके ओके और जितना मुझे क्राउड फंडिंग का एक अपडेट याद है सर का उन्होंने क्राउड फंडिंग को जो एक्सप्लेन किया था वो ये किया था कि मान के चलिए आपके पास कोई प्रपोजल या कोई प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट में आपको फंड्स की जरूरत है तो वो प्रोजेक्ट पहले कंपनी में आएगा हम्म कंपनी देखेगी कि वो प्रोजेक्ट उतना वर्थ है या नहीं और अगर उतना वर्थ है तो कंपनी अपने फाउंडर्स में उसको सर्कुलेट करेगी कि भाई और वहां से फंड्स रेस करके आपको डोनेशन देगी वाओ ओके ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स एथिकल होना चाहिए तो डेफिनेटली yes, yes. वही होता है डेटाबेस जब भी आपके पास इतने लोग आते हैं तो हम लोग लाइक बहुत पावरफुल बन जाते हैं तो लास्ट में उन्होंने बोला कि ऑन पैसिव एक वंस वन, वन शॉप स्टॉप है यानी कंप्लीट पैकेज जहां पे आपको यानी सब प्रोडक्ट्स मिलेंगे और अह अह बस वही था लाइक उन्होंने बोला कि अह थर्टी फाइव बिलियन का मार्केट कैप है थर्टी फाइव बिलियन ओके तो अगर उसमें से इवन हम, हम लोग को दस टक्का मिलता है तो भी तो महीने में तो भी हम लाइक मार्केट पे कवर मार्केट को कवर कर लेंगे मार्केट कवर कर लेंगे डोमिनेट दे, कर देंगे देसी दे, भाषा में बोलने बोला जाए तो <laughs> राइट और जो हमें कल ओकनिक का एक कह सकते हैं कि झांकी दिखाई है साहब ने उसके ये तो सिर्फ एक एक कह सकते हैं ट्रेलर था ऐसे, yes. बहुत है। yes. ऐसे बहुत सारे टूल्स है ऐसे बहुत सारे टूल्स है बट इसके अगर आप अंदाजा अंदाजा लगा सकते हैं इसके सब आप समझ गए एक्चुअली कि क्या है ऑन पैसिव तो हंड्रेड परसेंट श्योर है कि आपके पास कोई मौका ही नहीं है कि आप ऑन पैसिव को छोड़कर कभी भी जाएंगे अरे. अपने, अगर अपने अगर आपने समझ लिया अगर आपने इसको दिमाग में बिठा दिए कि ये क्या है क्योंकि आपका बिजनेस है तो देखिए हम रेगुलर बोलते हैं हमारे डेली वेबना के माध्यम से कोई कॉल आता है तो उनको बताते हैं कि प्लीज आप थोड़ा समय दीजिए फ्राइडे का अटेंड करिए सेमिनार जो लेते हैं एवरी फ्राइडे वीकली जैसे आज हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं संडे का सेशन अटेंड करिए आप सिस्टम से जुड़े रहेंगे तो आपको आइडिया आएगा कि क्या हो रहा है और जैसे कि आपकी खुद की कमी बिल्डअप हो रही है तो आप जैसे उसमें ध्यान देते हैं उसी तरह इस पर भी ध्यान दीजिए तो आप अगर अभी तक समझ नहीं पाए जो कोई जो कोई भी साथी वो रियलाइज हो जाएगा उनको कि हाँ आप किस लेवल के प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए हैं ये प्लेटफॉर्म कैसे कैसे टूल्स लेके आ रहा है और आप इस बोल सकते हैं जिसको एक प्रकार का विजय पथ उसमें आप चल रहे हैं तो डेफिनेटली अः हंड्रेड परसेंट कल का वेबिनार सुपर एक्साइटिंग था एक एक प्रकार से कहो जाए तो सुपर एक्साइटेड और एकदम जोर से भरा था और मेरी टीम के ही काफी लोग आते हैं जिनको अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती है बट वो सिर्फ ऐश फुफरा साहब को देखने आते हैं उनको सुनने आते हैं उनका कॉन्फिडेंस देखने आते हैं तो वो माहौल ही कुछ अलग होता है तो जैसे नीरज जी ने कई बार रिपीट किया हम भी दोबारा यहाँ पे रिक्वेस्ट करेंगे रिक्वेस्ट आपसे कि प्लीज बैक ऑफिस में जाइए वेबिनार में जाइए वेबिनार टैब में रेकोर्डे वर्जन में जाइए वहां पे वेबिनार का रिकॉर्डिंग आ चुका है वो रिकॉर्डिंग आप देखिए वहां पे कनेक्ट का डेमो वर्जन का उन्होंने थोड़ा दिखाया हुआ है कि क्या है तो डेफिनेटली आपको भी वो फील होगा जो हम फील कर रहे हैं मुकुंद जी आप कुछ कहना चाहेंगे कौशिक टीम से जो रिव्यू करके वो कनेक्ट को देखने के बाद आया है वो इतने अमेजिंग है जैसे एस सर ने अपने एक वेबिनार में ये कहा था कि हमारा हर प्रोडक्ट यूनिकॉर्न लेवल पे जाएगा बिल्कुल लेकिन कल के ओ कनेक्ट के डेमो को देखने के बाद में टीम ये कह रही हैं कि सर ये इकलौता प्रोडक्ट सुपर यूनिकॉर्न बनेगा हंड्रेड परसेंट बहुत अमेजिंग बहुत अमेजिंग राइट राइट दीपम जी आप कुछ बोलना चाहते हैं या लाइक like, uh, क्योंकि अपडेट्स तो खत्म हो गए सर अभी आप जैसे आप जैसे ग्रेट लोगों ने सब बोल दिए हैं सर अब बोलने लायक कुछ बचा नहीं है तो आई थिंक हमने बहुत बिल्कुल दीपम जी हमने आई थिंक सारे पॉइंट कवर कर लिए हैं और अभी हम मिलेंगे अगले फ्राइडे को अगले थर्सडे रात के वेबिनार के अपडेट के साथ तो तब तक आप सभी को ये दीपावली और नए साल के पर्व की खूब खूब मुबारकबाद थैंक यू सर और दीपावली की मुबारकबाद और जितने फाउंडर्स बन चुके हैं मैं ये कहूंगा कि लक्ष्मी जी उनके घर में प्रवेश कर चुकी है और जो चाहते हैं कि पशु पेश में पड़े हुए हैं कि मैं फाउंडर बनूं या ना बनूं तो यह समझ लीजिए कि लक्ष्मी जी आपके द्वार खटखटा रही है द्वार खोलना ना खोलना आपके हाथ में है अगर आप फाउंडर बन जाते हैं तो समझ लीजिए आपने द्वार खोल दिया है <सथ> अगर आप फाउंडर नहीं बनते हैं तो समझ लीजिए आपने लक्ष्मी जी को लौटा दिया है डिसीजन निर्णय आपका है तो इसी के साथ सारे फाउंडर्स को और सारे हिंदुस्तान को बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाओं के साथ और बहुत बहुत धन्यवाद मुकुंद जी का नीरज जी का और कौशिक पंड्या जी का उनको धन्यवाद देते हुए और जस्सी जी को ढिल्लन जी को और विशेष रूप से केडी जी को और एश मुफरा साहब को धन्यवाद देते हुए मैं यहाँ का ये जो आज का सारांश है समरी वेबिनार को मैं यहाँ समाप्त करता हूँ जय हिंद रात्रि राइट वी आर इट टू इट

बिल्कुल अभी हम नए नए समय मिलेंगे अगले फ्राइडे को आठ बजे यस बाय बाय एवरीवन गुड नाइट जो, Bye -bye -bye. आओ जो. <laughs> <आओ> जो. <laughs>